पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। इसी के तहत रविवार को 1000 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सर्वप्रथम केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर संगठन की प्रदेश और सभी अग्रिम संगठनों की समस्त कार्यकारिणियों को भंग कर नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्तियों की रूपरेखा तैयार की। जयपुर के बिरला सभागार में रविवार को पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, विजय उत्सव और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ज्वाइन करने वालों में पार्षद, पूर्व पार्षद, वर्तमान व पूर्व सरपंच, मेडिकल, लॉ के कई गणमान्य लोग तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसके अलावा बहुत से लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव के समय कई लोगों ने हमारे लिए अनर्गल बयानबाजी की, लेकिन हमने अपने लक्ष्य पर काम कर जीत हासिल की और पार्टी की सरकार बनाई। जीत के बाद जनता से किए वादों पर खरे उतरे और उन्हें पूरा किया। उसके बाद हम फिर मैदान में उतरे और शानदार जीत हासिल की। इस वर्ष संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की और अपने दमखम पर पंजाब में जीत हासिल की। संजय सिंह ने कहा कि जनता का भरोसा पार्टी पर दिन बढ़ रहा है। देश की जनता जुमलेबाजी और हकीकत का अंतर समझकर विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के बीच आम आदमी पार्टी अपना भरोसा कायम करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से त्रस्त है और विकल्प के रूप में उसे आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। राजस्थान के चुनाव प्रभारी और दिल्ली की द्वारिका से विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि जल्द ही राजस्थान में संगठन का नया रूप नजर आएगा। इसी के तहत पहले बनी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल ही चुनाव होने वाले हैं। इसी सोच के साथ राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करेगा। आगामी 3 माह में पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान चलेगा, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर प्रभारी होंगे। सदस्यता अभियान व पॉमेट्री के जरिए बेहतर कार्य करने वालों में से ही जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पदाधिकारी बनाए जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाएंगे, सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस आंदोलन के दौरान लाठी भी खानी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब में पार्टी की जीत के बाद राजस्थान में कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में पार्टी के नेता खेमचंद जागीरदार ने सभी को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने किया।